जाओ ट्रेन सर उड़ा दो ये। ओ अरे गाइस ये तो, अरे गाइस ये तो सच में उड़ा दिया भाई। यो गाइस वेलकम टू द बेब्लेड चैनल। तो दोस्तों आज हम बैटल करने जा रहे हैं फिंग्स कॉल वर्सेस हमारे बाकी को हमारे बेब्लेड एक्स। और दोस्तों देखते हैं कि फिंग्स कॉल का डिफेंस कितना अच्छा है और इन सभी के हमले से ये बच पाता है या नहीं। और दोस्तों आज के बैटल के लिए मैं एक और फोन का यूज़ करने वाला हूं जिसका आप देख लो दोस्तों। और दोस्तों इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब है तो इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी, पर दोस्तों मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ कि हमारे बैटल में कैसा लगेगा। तो चलो दोस्तों बैटल शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों बैटल शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आते हैं ड्रेन शॉट, देखते हैं कि इसके साथ कैसा रहेगा मैच। 3-2-1 यह गया फिंग्स कॉल। और अभी बारी देखते हैं कि कैसा है। ओहो ये तो उछल के बाहर ही चला गया। ओहो ओहो कैमरा को हिट कर दिया इसने, कैमरा को हिट कर दिया। वो बहुत जोर से मारा तो गाइस फिंग्स कॉल को स्टेडियम से आउट ही कर दिया। 3-2-1 ये गया फिंग्स कॉल। अभी ड्रेन सर एस आई मीन ड्रेन शॉट वा फिंग्स कॉल का भी काफ़ी अच्छा टिकर दी। ओहो ड्रेन शॉट का भी काफ़ी बढ़िया टक्कर। लगता है ये लास्ट स्टेमिना बैटल होने वाले दोनों के बीच, और लगता है स्टेमिना बैटल में तो फिंग्स कॉल ही जीतने वाला है। ओहो कहीं बढ़िया टक्कर तो यहाँ पर जीत जाता है फिंग्स कॉल। चल बढ़ते नेक्स्ट बैटल की तरफ। और गाइस अभी आता है 3-2-1 या फिंग्स कॉल हुई बारी यूनिकॉर्न स्टिंग। ओहो 3-2-1 यहाँ पर गया फिंग्स कॉल हुई बारी यूनिकॉर्न स्टिंग की। कहीं बढ़िया टक्कर दोनों के बीच। वैसे कहने का तो फिंग्स का डिफरेंट टाइप है, पर दोस्तों उसका रिकॉल बहुत ही भारी रहता है। वैसे भविष्यवाणी मेरी सही रहेगी क्योंकि पहले इसका चला गया था स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा, तो जीत चुका है फिंग्स काउल। 3-2-1 यहाँ पर क्या फिंग्स काउल हुई। ओहो एक्सट्रीम डैश। और दोस्तों यहाँ तो स्टेडियम से बाहर ही चला गया। तो गाइस जब भी बेबेट बाहर निकलते सबसे पहले कैमरा को हिट कर देते यहाँ पर। लगता है फिर से स्टेमिना बैटल ही होने वाली, पर दोस्तों स्टेमिना बैटल हुआ तो फिंग्स कॉल फिर से जीत जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना गाइस। और आखिर टक्कर और यहाँ पर फिंग्स कॉल फिर से जीत गया बैटल में। चलो दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट बैटल की तरफ। और गाइस अभी आता है डबल ड्रैगन खतरनाक अटैक टाइप बेब्लेड। 3-2-1 यहाँ पर क्या फिंग्स कॉल अभी बारी टक्कर डबल ड्रैगन का। और ये एक्सट्रीम बैटल करके ओ बच गया। ओहो काफ़ी बढ़िया टक्कर। ओहो यहाँ पर जीत जाता है हमारा फिंग्स काउल। 3-2-1 यहाँ पर गया फिंग्स काउल अभी काफ़ी बड़ा अटैक डबल ड्रैगन का। ओहो डायरेक्ट स्टेडियम से आउट ही कर देगा इस, काफ़ी खतरनाक टक्कर रही दोनों के बीच। 3-2-1 यहाँ पर गया फिंग्स काउल अभी डबल ड्रैगन। ओहो काफ़ी खतरनाक तरीके से घूमा रहा स्टेडियम में। ओहो गाइस फिर से स्टेडियम से आउट कर दिया भाई। ये तो गाइस क्या बोलूँ काफ़ी ख़तरनाक है। वैसे कहने को तो ये किसी एनिमी कैरेक्टर का बेवेट नहीं है, पर दोस्तों ये मेरा बेवेट है तो काफ़ी खतरनाक अटैक काफ़ी ज़ोरदार रहता है, मज़ा आता है देखने में। तो दोस्तों अभी आता है ड्रेंजर एस, देखते हैं कि ये क्या कमाल कर दिखाता है। 3-2-1 और ये गया फिंग्स कॉल अभी बारी ड्रेंजर एस की। काफ़ी बढ़िया टक्कर। और ये ओ बच गया मिस हो गया। ओहो ओहो क्या वाह क्या टक्कर मारे गाइस घूम के खतरनाक। तो गाइस डेंजर है डेंजर। 3-2-1 ओहो क्या टक्कर मारे। ओहो फिंग्स कॉल का जबरदस्त डिफेंस, डेंजर का भी काफ़ी खतरनाक हमला। यहाँ पर काफ़ी तड़कदार चमकदार स्पार्किंग बैटल हो रही है हल्की हल्की। यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार टक्कर दोनों के बीच, पर लगता है स्टेमिना बैटल में फिर से फिंग्स कॉल ही जीत सकता है कि टेपर टिप है तो स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फिर से लगभग जीत जाते हैं। ओहो यहाँ पर फिंग्स कॉल जीत गया गाइस। चले दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट और थर्ड मैच की तरफ। 3-2-1 जाओ ट्रेन सर उड़ा दो ये। ओह अरे गाइस ये तो, अरे गाइस ये तो सच में उड़ा दिया भाई। गाइस मेरे पैर में फेंक दे गाइस, मेरे पैर में चोट लग गई। अच्छा ज़्यादा कुछ सिर्फ स्क्रैच ही आया और हड्डी पे लगा थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, पर कोई बात नहीं दोस्तों बैटल के लिए इतना करना पड़ेगा ताकि मज़ा आए। चलो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी खतरनाक टक्कर है गाइस। मुझे लगता है एक और बार बैटल करनी चाहिए गाइस। ड्रेंजर का पावर खतरनाक है भाई, मज़ा आ गया। भले मुझे थोड़ी चोट लगी पर मज़ा आया गाइस। उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा ये वाली टक्कर देखने में।
चल दोस्तों एक लास्ट बैटल, मतलब ये लास्ट ही थी पर एक और बार कर लेते गाइस। 3 2 1 यहाँ पर गया फिंग्स काउल, ये ट्रेंजर, ओह काफ़ी बड़े अटैक, ओहो ड्रेजन से उड़ाने की पूरी कोशिश ड्रेंजर की यहाँ पर, ओहो तो गाइस इस बार ड्रेंजर को फेंक दिया है फिंग्स काउल ने, तो गाइस मेरा मन नहीं बन रहा है। चल गाइस एक और बार लास्ट बैटल करते, लास्ट थर्ड बैटल, जब ऐसी बैटल होने लगे तो गाइस बैटल को स्टॉप करने का मन ही नहीं करता है। 3 2 1 फिंग्स काउल वर्सेस ड्रेंजर, ओहो एक साइड एक मिक्स, एक साइड मिस, एक और बार, एक और बार, एक और, यस जाओ जाओ जाओ, अरे तो गाइस हमें एक और नए स्टेडियम की ज़रूरत है, थोड़ा सा छोटा वाला स्टेडियम, पर दोस्तों वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब YouTube की पेमेंट आ जाएगी तब मैं दूसरा स्टेडियम खरीदने के लिए सामान खरीद लूँगा, तब तक तो हम इसमें बैटल करनी पड़ेगी। तो यह लास्ट बैटल इनकी, चल गाइस देखते हैं कि कौन जीतता है, लगता है स्टेमिना बैटल में तो फिंग्स काउल ही जीतने वाला है और कोई, या फिर नहीं, अरे गाइस मुझे लगा था फिंग्स काउल जीत गया पर टक्कर मार के टीम ने खत्म कर दिया फिंग्स काउल का ड्रेंजर, और दोस्तों यहाँ पर लास्ट बैटल जीता है ड्रेंजर। और गाइस सो फ्रेंड्स आपको बैटल में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी खतरनाक बैटल देखने को मिलती रहे। तो चल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स पहले मुझे लगा था कि सिर्फ स्क्रैचेस ही आए, पर दोस्तों जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि यहाँ पर चमड़ी को कट कर दिया गया है और खून निकाल दिया गया है, यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत कर दी है मेरी, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक बैटल नहीं कर पाऊँगा गाइस, मेरी चोट लगती रहेगी। तो लगता है मुझे कुछ अपने डिफेंस के लिए कुछ भारी भरकम बख्तरबंद गियर पहनना पड़ेगा बैटल करते समय, जैसे कि मैं चश्मा पहनता हूँ बैटल करते समय, वैसे ही मुझे फुल बॉडी आर्मर भी पहनना पड़ेगा इस बैटल के लिए।